दर्शक नमस्कार, ईद मिलादुन्नबी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और हम आपको बताते कि आज शहर में किस प्रकार से जुलूस निकाला गया, लोगों में कितना उत्साह था। जी हाँ, इस्लाम के अनुसार ईद मिलाद उन नबी या ईद मिलाद को पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी तट पर शहर के विविध समितियों की ओर से शांति का संदेश देते हुए जुलूस निकाले गए। आइए देखते हैं एक नज़र। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग रात भर जाग कर प्रार्थनाएं करते हैं, साथ ही इस दिन जुलूस भी निकाले जाते हैं। ईद मिलाद उन नबी के दिन पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब को पढ़ा जाता है और उन्हें याद किया जाता है। इसके अलावा लोग मक्का, मदीना और दरगाहों पर जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो कोई नबी को याद कर नियम से निभाता है वो अल्लाह के प्यारों में शामिल हो जाता है। नागपुर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जुलूस का आयोजन किया गया था। इसी श्रृंखला में शहर के सोमवारी क्वार्टर की समिति की ओर से शांति का संदेश देते हुए जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम में बीसेन के संचालक सिराज शेख के अलावा समिति के और भी पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर बाबुलखेड़ा में भी शारदा उत्सव समिति की ओर से एकता का संदेश देते हुए जुलूस निकाला गया। जुलूस मार्ग में विभिन्न संस्था संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। हमारे हुजूर का पैगंबर साहब का जन्मदिन है, उसके खुशी के मौके पे हम लोग उनके इशारों पे चलने वाले लोग हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हम जुलूस निकाल रहे हैं, उनकी खुशियां मना रहे हैं। और सभी को ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत बीसीएन परिवार और समाचार पेपर और बीटीपी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। दर्शन ईद मिलादुन नबी की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। यहाँ से आका अलैहिस्सलाम का ये जुलूस निकलता हुआ नजर आ रहा है और सारी दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पूरे इंसानियत पर एक एहसान है। आप मोहसिन इंसानियत है और दुनिया के अंदर आपने अमन और शांति का पैगाम लाया और इख्वत और भाईचारगी का पैगाम सारे दुनिया को दिया। दुनिया वाले इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें तो वाकई में उनकी जिंदगी के जब पहलू पर गौर करेंगे तो समाजी एतबार से, सोसाइटी एतबार से, मुआशरे के एतबार से एक पहलू मिलेगा जहां पर हिदायत और रहनुमाई मिलते हुए नजर आएंगी। इसलिए किसी ने कहा, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इनका जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, अब हमको किसी शय की तमन्ना नहीं इस जमाने में, बस मदीना ही दिया जाए हमारे आबोदाने में। जा तारीख था जुल्मत कदा था सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला घर घर में उजाला था। ये सोमवारी क्वार्टर के मोतबर लोग सदर और जो है हमारे कारकुन हजरात सोमवारी क्वार्टर मस्जिद से बिल्कुल सामने मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत जश्न मिलादुन नबी मुबारक हो और तमाम आलम इस्लाम को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करते हुए हम लोग बुधानी के जन्मदिन के मौके पर हमने जो उसका इंतजाम किया है, तमाम ही हमारे पार्वती नगर बाबूखेड़ा एसडी के लोगों ने मिलकर जो उत्साह का माहौल आपको दिख रहा है और बाल शारदा उत्सव मंडल की तरफ से जो हमारा स्वागत किया गया हमारे जश्न ईद मिलादुन नबी का, हमारे मुस्लिम समुदाय और हमारे हिंदू भाइयों ने जो मिलकर अपने एकता का और भाईचारे का परिचय दिया, उससे हमारा पूरा समाज गर्व है और हम ऐसी आशा करते हैं कि हर समय इसी तरह से हिंदू भाई मुसलमानों का और मुसलमान हिंदू भाइयों का पर्व उत्साह के साथ मनाते रहे। बस यही सारे भाइयों से मेरी गुजारिश है, ईद का जश्न बड़े धूमधाम से मनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जितने जाते ज्यादा उत्सव मना सकते उत्सव मनाए। ये जो आज ईद का कार्यक्रम है हिंदू मुसलमान मिलके मना रहे, इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला राम जी का आने के बाद हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों खुश है
इसलिए मैं सभी को ईद की बधाई देता हूँ।